हेलो स्टूडेंट, लेट अस लर्न टेंस। चलो बच्चों, टेंस पढ़ते हैं। टेंस क्या होता है पहले ये समझते हैं बच्चों। जब अलग अलग 10 इकाई होती है, यानी 10 डिफरेंट यूनिट्स, जैसे कि यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी यहाँ पे कितना है, 10 यूनिट्स है। 10 यूनिट्स मेक वन टेंस। जब ये 10 फूल यानी 10 अलग अलग यूनिट एक साथ आ गए तो ये हो गया वन टेंस। ओके बच्चों, यहाँ पे देखिए 10 अलग अलग मोतियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 अलग अलग मोतियां जब एक माले में एक साथ आ जाती हैं बच्चों, तो ये होता है वन टेंस। तो बच्चों यहाँ पे मैंने भी इसी तरह की माचिस की तीलियों की एक टेंस बनाई है बच्चों। देखो इसमें 10 अलग अलग क्या है, माचिस की तीलियां हैं, और ये क्या हुआ, वन टेंस। उसी तरह बच्चों अब हम फूल पे देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। बच्चों ये 10 फूल एक साथ आ गए, यानी ये भी क्या हुआ, वन टेंस। यानी यहाँ पे कितने टेंस है, 2 टेंस। देखो 1 टेंस और 2 टेंस, यानी 10 plus 10 20। बच्चों उसी तरह हम देखेंगे कि जब हम 11 लिखते हैं, 11 में देखिए बच्चों यहाँ पे 10 है, 10 अलग अलग यूनिट्स एक साथ आ गए हैं, 10 plus 1 अगर हो जाएगा, यानी एक बंडल 10 का और एक 1 यानी 11। देखिए ये 10 अलग अलग यूनिट्स है, यानी 1 टेंस और 1 यूनिट। देखिए बच्चों यूनिट जो होता है हमेशा राइट साइड में होता है और टेंस हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, यानी 11 में 1 यूनिट एंड 1 टेंस। उसी तरह स्टूडेंट 12 में ये देखिए, ये है 1 टेंस यानी 10, और ये 1 11 हो गया, 11 plus 1। बच्चों देखो 10 11 12, यानी 12 हो गया। तो बच्चों 12 में देखिए 12 कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 1 and 2, यानी 1 टेंस। देखिए ये 10 अलग अलग यूनिट्स, ओके स्टूडेंट, 10 डिफरेंट यूनिट्स प्लस 2 यूनिट्स। देखो 10 11 12, अगर हमने 12 ऐसा लिखा, लेकिन अगर हमें कोई पूछे कि इसमें यूनिट कौन सा है और टेंस कौन सा है, तो बच्चों जो राइट साइड में है इस तरफ का, यानी ये क्या है, 2 यूनिट एंड 1 टेंस। 12 में क्या होता है, 2 यूनिट 1 टेंस। उसी तरह स्टूडेंट 13 में भी 12 and 1 makes 13। 12 और 1 जब एक साथ आते हैं तो हो जाता है 13। देखो बच्चों ये 10 का एक बंडल है, ओके, प्लस 2, 10 प्लस 2 मतलब क्या हुआ, 12 प्लस 1 13। देखो 10 यूनिट यानी 10 यूनिट एक साथ आया तो 1 टेंस हुआ, तो 1 टेंस प्लस 3 1 टेन, देखो यहाँ पे है, यहाँ पे 3 यूनिट्स यानी 10 plus 3 unit is equal to 13। देखो इसमें 13 में 3 क्या है, यूनिट है, 1 क्या है, टेंस। ओके स्टूडेंट, उसी तरह बच्चों हम अलग अलग समझते जाएंगे टेंस और यूनिट में, नंबर्स में।